हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने कल 11 बजे तक का वीडियो देखा था। आप लोगों ने देखा था कि मैं 11 मतलब 10:30 बजे तक क्या कर, हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते, थोड़े से नहीं पूरे ही आगे बढ़ जाते। हम लोग 11 बजे से लेके शाम तक क्या करते हैं मैं आपको सब ये व्लॉग में दिखाने वाली है ना। 10:30 बजे है, तो 10:30 से 11:30 बजे तक मैं आरू के साथ खेलूँगी। फिर आज लंच में बनेगा खिचड़ी और कड़ी। खिचड़ी और भी लंच बनाती हूँ ना मैं, आरू को फ़ोन दे देती हूँ कि थोड़ी देर देख लो। तो वो 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक मोबाइल देखता है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, उसको खिला भी देती हूँ, और खिलाते टाइम मैं मोबाइल नहीं देती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। गाइस, जस्ट मैंने अभी साफ़ सफाई की है घर की, और यहाँ पे देखो इसकी हालत, मतलब सब सामान बिखर गया। हाँ, यस, बी बनावानू छे, ए फॉर एप्पल करवानू छे। ओके डन, ओके स्लीपिंग लाइन करो बच्चे। ए नॉट ए, चलो ओके स्टैंडिंग, अब बी बनाओ स्टैंडिंग लाइन। 11 बज चुकी है और मैं है ना आरू को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। ABCD करवा रही थी, और एक बार भागेगा फिर आएगा, फिर एक बार भागेगा फिर आएगा, मतलब एक जगह पे शांति से बैठ के वो कर ही नहीं सकता है। अच्छा, वो अभी खड़े रह के कर रहा है, पर एक जगह पे शांति से खड़ा रह के भी ये नहीं कर सकता है। अभी देखो उसने ABCD की हालत क्या की है। करीबन 12:15 बज गई थी आरू को पढ़ाते पढ़ाते, और फिर है ना मैंने खाना बनाया। तो गाइस, मेरा लंच बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे है खिचड़ी, दही और कड़ी और पानी, यस पानी भी। तो बस यही है आज का हमारा सिंपल सा लंच। 1:30 बज गई थी और मैं आरू को सुला रही थी। वैसे तो सोता ही नहीं है, मुझे उसको उल्टा करके उसकी पीठ थपथपानी पड़ती है, तब जाके तो ये सोता है। फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई, और 4 बजे फिर मैंने आरू को उठाया और मैं एक तरफ उसका दूध गर्म करने के लिए रख दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया, जिससे कि उसको थोड़ा सा टेस्टी लगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था, मैंने आज बहुत बार कपड़े बदले हैं, क्योंकि सुबह मुझे है ना रील बनानी थी, पर आरू का मूड नहीं था तो मैं रील नहीं बना पाई। फिर जाना था मुझे पाव भाजी के लिए, कैरेट लेने के लिए, गाजर लेने के लिए, तो मैंने फिर से कपड़े चेंज किए। तो मैंने आज बहुत बार 3 बार कपड़े चेंज किए। बना रही हूँ पाव भाजी, और जो आरू की बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है, अब बस बनाना बाकी है। जब भी मैं किचन में होती हूँ तो आपको पता ही है मेरे साथ मेरा एक लिटिल शेफ रहता है, और ये है आरू, जो मुझे सिर्फ देखता रहता है कि मम्मा क्या कर रही है और कैसे कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे है ना पाव भाजी बनाते बनाते 8 बज चुकी थी, क्योंकि मैंने है ना सभी सब्जियों को पहले तो गर्म पानी में भिगो के रखा, उसके बाद अच्छे से धोया, और फिर मैंने उसकी मस्त टेस्टी वाली पाव भाजी बनाई। तो घर वालों को तो पसंद आई ही आई, पर आरू को बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस खाना खा के हम लोग थोड़ा सा टहलने चले गए। बस तो यही था हमारा दिन। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।